लास्ट लेक्चर वी सॉ चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. इन दैट वी सॉ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री लाइक रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस. ओके, नाउ लेट अस सी लेसन नंबर 2, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960. यानी इंडिया में 1960 के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं. ओके, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 सीई. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947 सीई. सीई मीन्स क्रिश्चियन एरा. ओके, इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन 1950 एंड बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन. ओके, इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क 1950 में एक्सेप्ट किया एंड इट बिकेम अ सोवरेन. सोवरेन एंड सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन. मतलब जो पहले ब्रिटिश के अंडर था ये नेशन और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके लॉज एंड रूल्स चलते थे इंडिया के ऊपर. तो जब ब्रिटिशर्स गए तो इंडिया ने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड यू नो एक सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन बना हुआ. द इंडियन सोसाइटी इज मल्टी कल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथनिसिटीज एंड कास्ट लिव टूगेदर. जो इंडियन सोसाइटी है, एज वी ऑल नो, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं विद डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, विद डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, विद डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इंडिया एंड जो लोग हैं उनके लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं एंड एथनिसिटीज. एथनिसिटीज मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉमन इंटरेस्ट लाइक कॉमन नेशनल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. इवन दो इंडिया में डाइवर्सिटी है बट फिर भी यूनिटी है. ओके, अलग अलग कास्ट एंड रिलीजन के है लेकिन सब में एकता है, यूनिटी है. ओके, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. इनिशियल पीरियड यानी जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, उसके बाद जो यू नो स्टार्टिंग का पीरियड था उसमें इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस गो थ्रू करने पड़े. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर यू नो ध्यान नहीं दिया, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन यू नो खराब रही. ओके, ब्रिटिशर्स ने यू नो इंडिया के जो भी रिसोर्सेस है वो यूज करके उन लोग अपने कंट्री को यू नो डेवलप करने में लगाया उन्होंने एंड इंडिया का कंडीशन एकदम बुरा हो गया था. तो वो सारी चीजों को सुधारने के लिए यू नो बहुत यू नो डिफिकल्ट रहा इंडिया को, यू नो इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एंड इवन द सोसाइटी यानी सोशल डेवलपमेंट के लिए यू नो बहुत उनको एफर्ट लगानी पड़ी उनको उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए. The establishment of the planning commission and emphasis on industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. Okay, establishment of planning commission. Planning commission established kiya and also they put emphasis on industrialization. Unhone industrialization ke upar focus kiya. ताकि इंडिया की जो कंडीशन है उसको वो सुधार सके, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन एंड इवन सोशल कंडीशन. यू नो जो पॉवर्टी है यू नो इंडिया में बहुत ज्यादा थी तो इसके लिए उस कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बिठाई एंड ऑल्सो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया ताकि वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट कर सके. Successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. Okay, successful conduct of elections. You know, elections होने लगे, you know, by the way of voting, government.
डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन यानी जहाँ पर लोग इलेक्ट करते हैं, ओके लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, ओके तो उसके वजह से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाए, यानी जो हमारा पॉलिटिकल कंडीशन है वो थोड़ा स्टेबल हुआ बिकॉज ऑफ दैट. एट द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर सॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड. उस मतलब उसी दौरान हमारा जो सोशल कंडीशन है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स थे, यानी इंडिया में लाइक उतना यू नो एजुकेशन नहीं था लोगों को एंड उसकी वजह से लोग यू नो आपस में यू नो भेदभाव लोगों में रहती थी, लोग ज्यादातर सुपरस्टिशियस पे बिलीव रखते थे एंड जो उनके ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है उसको यू नो फॉलो करते थे विच वर हार्मफुल फॉर द पीपल. ठीक है, वो सारी चीजों में मतलब इंडिया चल रही थी उस टाइम पे, तो उसमें भी चेंजेस लाना बहुत जरूरी था. एंड जो हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे कि जो लोअर क्लास वाले लोग हैं एंड इवन द वुमेन, उनको अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी था, उनको इक्वल स्टेटस सोसाइटी में देना बहुत जरूरी था ताकि सोशल जो कंडीशन है वो स्टेबल रहे. उसके ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी था, मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू सॉल्व करना ही या इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करना ही यू नो गवर्नमेंट का मोटिव नहीं था, बट ऑल्सो सोशल कंडीशन कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे लोगों में यू नो इक्वालिटी ला सके एंड ये जो भेदभाव पहले होते थे उसको खत्म कर सके एंड ऑल द पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. The 1960s. Okay, in the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in the India. In the decade of 1960, decade means a period of 10 years. यानी 1960 से लेके 1970 तक का टाइम. Okay, several events occurred which had a huge impact on the political situation. बहुत सारे ऐसे यू नो इवेंट्स हुए जिसके ऊपर जिसके वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत उसका गहरा असर हुआ. ओके, द रीजन्स ऑफ गोवा दीव एंड दमन वर फ्रीड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल एंड बिकेम पार्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन. यू नो जब ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे कंट्री में इंडिया में, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स अकेले यू नो फॉरेन इन्वेडर्स नहीं थे, और भी बाकी यू नो फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में थे जो हमारे कुछ कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में आके वो अपना रूल कर रहे थे, अपना यू नो राज्य चला रहे थे, जैसे कि पोर्चुगीज है, फ्रेंच है. ओके, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए, जब ब्रिटिशर्स से इंडिया को इंडिपेंडेंस दी, उसी वक्त बाकी के जो इन्वेडर्स थे, बाकी के जो रूलर्स थे जिन्होंने कुछ कुछ पार्ट इंडिया का कब्जा करके रखा था, वो लोग छोड़ के नहीं गए थे, तो उनसे भी यू नो फ्रीडम देना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिया. तो उनको भी इंडिया से भगाना और उन पार्ट्स को फ्री करा के उसको इंडिया में इंक्लूड करना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. तो वैसे ही गोवा दीव दमन जो थे उनको फ्री कराया गया फ्रॉम पोर्चुगीज रूल एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन. ओके, द टेंशन्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 culminated in the war of 1962 between two countries. Okay, the tension between India and China. India और China के बीच में भी tensions create हो रहे थे जो कि 1950 से you know rise हो रहा था, वो जाके war में convert हुआ in the year 1962. Okay, India और China के बीच war हुआ. This war was fought in the region of the
मैकमोहन लाइन। ओके, ये जो वॉर है ये मैकमोहन लाइन में हुआ। मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री ऑफ चाइना एंड इंडिया। एंड ये जो नाम है मैकमोहन, इट इज नेम्ड आफ्टर, ये जो लाइन है इट इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर सर हेनरी मैकमोहन। ओके, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ओके, उसके बाद हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। His contribution to the social and economic development of India is significant. Okay, हमारे जो foreign policy है, यानी एक country को दूसरे country के साथ, यानी foreign country के साथ relation maintain करना बहुत important होता है, trading के लिए या फिर बाकी और reasons के लिए। तो उसकी जो policies होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आर्किटेक्ट थे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, यानी जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ डील करते वक्त हमको कुछ पॉलिसीज मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो पॉलिसीज उन्होंने बनाई है क्योंकि हमको दूसरे कंट्रीज के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखना ट्रेडिंग के लिए या फिर बाकी कोई दूसरे काम के लिए बहुत जरूरी पड़ता है, तो इसके लिए उन्होंने वो पॉलिसीज बनाई। देन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वॉज सिग्निफिकेंट, यानी उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं सोसाइटी को या इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंडिया के, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे। जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964, ओके, ही पास्ड अवे इन द ईयर 1964। देन लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अगले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। ओके, ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने, उनके टेन्योर मीन्स उनके टर्म में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ 1965 में। ओके, द सोवियत यूनियन ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, सोवियत यूनियन ने ट्राई किया दोनों कंट्रीज के बीच सुलह कराने के लिए, बट लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान एंड जय किसान, विद विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स। उनकी एक स्लोगन है जय जवान जय किसान, मतलब थ्रू दिस स्लोगन ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर सोल्जर्स एंड ऑफ अवर फार्मर्स, मतलब उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री में वो उन्होंने हाईलाइट किया। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट तश्केंत इन 1966, मतलब लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन 1966 इन तश्केंत। तश्केंत इज अ प्लेस इन उज़्बेकिस्तान। ओके, इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। आफ्टर हिम इन 1966 इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसी इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। ईस्ट पाकिस्तान मीन्स प्रेजेंट डे में बांग्लादेश। ओके, तो उस टाइम पे पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच जो माहौल था वो थोड़ा गड़बड़ था, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति वहिनी। ओके, ये जो मूवमेंट था उस टाइम पे,
किसने लीड किया था? शेख मुजीबुर रहमान एंड उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है मुक्ति बहिनी। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसके वजह से इंडिया भी अफेक्टेड हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो रेफ्यूजी थे वो इंडिया आए थे। रेफ्यूजी यानी जो लोग अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन लाइक वॉर या नेचुरल कैलमिटीज, तो वो दूसरे कंट्री में जाने के लिए और वहां पर शेल्टर लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आई। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को सपोर्ट किया था इस मूवमेंट।